चीन के झांसे में आकर नेपाल न केवल भारत से दोस्ती तोड़ रहा है बल्कि भारत को एक दुश्मन तक आंकने लगा है और इसी के तहत अब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रहा है। इस बार नेपाल ने अपने षड्यंत्र का मोहरा अपने ही नागरिकों को बनाया है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ लगी खुफिया जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि नेपाल बीते दो महीनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टकराव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। षड्यंत्र के तहत नेपाल अपने नागरिकों के जरिए सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। नेपाली सुरक्षा एजेंसियां नेपाली नागरिकों को सीमा को चिन्हित करने के लिए लगाए गए पत्थरों को उखाड़ने के लिए उकसा रही हैं। इसके अलावा नो मैन्स लैंड यानी भारत और नेपाल सीमा के बीच नेपाली नागरिकों को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा बलों से झड़प करना, उन पर हमला करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। नेपाल की तरफ से अब लगातार प्रतिबंधित वस्तुओं को नेपाल सीमा में दाखिल करवाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल ने भारत नेपाल सीमा पर एकाएक अपने निर्माण कार्य की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। नेपाल बना रहा है 200 आउटपोस्ट। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दो महीनों में बॉर्डर आउटपोस्ट और हेलीपैड निर्माण प्रमुख कार्य हैं जिनको नेपाल ने अपनी सीमा में तेज किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन विवाद सामने आने के बाद चीन के इशारे पर नेपाल ऐसा कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत नेपाल सीमा उत्तराखंड से लेकर बिहार तक लगती है। करीब 1751 किलोमीटर की ये सीमा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों के करीब 500 बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, जबकि नेपाल के करीब 120 आउटपोस्ट हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले दो महीनों में नेपाल ने अब अपनी सीमा में 200 नई बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। इंडो नेपाल सीमा पर बनाए जा रहे हेलीपैड। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब बनाए जा रहे बॉर्डर आउटपोस्ट में नेपाल अपने सुरक्षा बलों की तैनाती करेगा। ये सारे पोस्ट भारतीय सीमा के पास बनेंगे। इतना ही नहीं, इन इलाकों में अस्थायी पोस्ट और बंकर भी नेपाल सरकार की ओर से बनाए जा रहे हैं। भारतीय सीमा के पास 4 प्रमुख जगहों पर नेपाल ने हेलीपैड निर्माण का भी कार्य शुरू कर दिया है। ये हेलीपैड उत्तराखंड नेपाल सीमा, पूर्वी चंपारण नेपाल सीमा, महाराजगंज नेपाल सीमा और पूर्वोत्तर राज्यों की नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बनाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत नेपाल सीमा हमेशा से ही ओपन बाउंड्री रही है, जहां से दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही होती थी। लेकिन चीन से विवाद के बाद नेपाल के रुख में अचानक जो बदलाव आया है, उससे भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर अपनी रणनीति की समीक्षा करने पर मजबूर होना पड़ा है। नेपाल बोला, पहले हम गलत थे जो भारत की तरफ। नेपाल के चीन की तरफ बढ़ते झुकाव और आंतरिक राजनीति में दखल का नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यालवी ने बचाव किया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि पहले हम भारत की तरफ ज्यादा झुके थे, लेकिन अब हम सही रास्ते पर आ गए हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें पहले ही इस गलती को सुधार लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार या नेपाल का चीन के प्रति झुकाव वाला आरोप परेशान करने वाला है। हमने बार बार कहा है कि हम एक संतुलित और राष्ट्रीय हित पर आधारित संबंध बनाते हैं। ग्यालवी ने कहा कि नेपाल ने अब चीन को जो समझ दी है, वो वास्तव में इतिहास में पहले ही होनी चाहिए थी। पहले नेपाल एक तरफ झुक गया, हमने उस एक तरफा ढलान को सही जगह लाने की कोशिश की है। इसीलिए नेपाल कहीं भी झुक नहीं रहा, बल्कि हमने अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमने एक तरफा निर्भरता को खत्म करने की कोशिश की है। भारत ने नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई 10 गुना फोर्स। लिपुलेख में चीनी सेना का मूवमेंट मिलने और नेपाल के अंदर भारत विरोधी राजनीति शुरू होने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने चीन और नेपाल से लगी सीमाओं में सतर्कता बढ़ा दी है। मुनस्यारी से लगी चीन सीमा पर जहां भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, वहीं नेपाल सीमा में सुरक्षा एजेंसियों ने रात के वक्त सर्च लाइट से काली नदी की खुली सीमाओं पर पहरा कड़ा कर दिया। नेपाल से लगी काली नदी से सटी खुली सीमा में जौलजीबी, हंसेश्वर, पीपली, ड्योडा, झूलाघाट, तालेश्वर सहित पूरे क्षेत्र में रात को सर्च लाइट की मदद से SSP के जवान पहरा दे रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार चीन और नेपाल से लगी सीमा में सामान्य समय की तुलना में 8 से 10 गुना फोर्स बढ़ाया गया है। रिजर्व में भी सुरक्षा कर्मियों को रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह बीते कुछ समय से सुरक्षा एजेंसियों का मूवमेंट बढ़ा है, उससे साफ है कि सीमा पर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। सीमा के गांवों के लोग भी हर हलचल पर निगाह रखे हुए हैं।